आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमें पद दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले ए मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए और एन हमें पदों की संख्या ज्ञात करने के बारे में बताएगी। ए हमारा होता है शुरुआती जो पद होता है उसे कहते हैं हम ए। ए हमारा कितना है यहाँ पर, तीन, तो ए बराबर कितना लिखा, तीन। हमें अभी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड हमारा जो पद है सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे। डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन एंड ए थ्री माइनस ए टू। यहाँ पर ए टू कितना है सेवन और ए वन कितना है थ्री, कितना लिखा थ्री। यहाँ पर ए थ्री है इलेवन और ए टू है सेवन, इलेवन माइनस सेवन फोर फोर। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया कि डी इसका कितना है चार। डी को हम सार्वांतर भी कहते हैं, तो हमारा डी कितना आ गया चार। अब बात रही फॉर्मूले की, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, ए की वैल्यू है थ्री, ए की वैल्यू थ्री यहाँ पर पुट की। एन की वैल्यू जैसे हमें कहा कि दसवां पद ज्ञात करो, कौन सा पद ज्ञात करना है, दसवां पद। एन की वैल्यू कितनी हुई टेन माइनस वन और डी डी आ रहा है फोर, तो यहाँ पर लिख दिया फोर। अब थ्री लिखा है यहाँ पर प्लस टेन माइनस वन कितने हुए नाइन, नाइन को फोर से मल्टीप्लाई किए कितने हुए थर्टी सिक्स। अब इनको सम कर देते हैं थ्री और थर्टी सिक्स, थ्री और थर्टी सिक्स कितने हुए थर्टी नाइन, यानी कि इसका जो दसवां पद आएगा वो है थर्टी नाइन। ये है हमारा आंसर। ऐसे हम ज्ञात करते हैं सार्वांतर का पद।